एक्टर करण मेहरा ने एक बार फिर अपनी पत्नी निशा रावल पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि मेरा बेटा कविश निशा के पास सेफ नहीं है। अपने बेटे कविश को लेकर करण मेहरा ने काफी कुछ कहा है। वेल, क्या कहा करण ने, चलिए जानते हैं। करण मेहरा और निशा रावल का झगड़ा पूरी दुनिया के सामने आ गया है, लेकिन इसी बीच सवाल ये उठता है कि कविश मेहरा पर इसका क्या असर पड़ रहा है। कविश अब किसके पास रहेंगे, अपने मम्मी के पास या अपने पापा के साथ। वहीं इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में निशा ने ये साफ क्लियर कर दिया था, कविश की कस्टडी वो अपने पास रखेंगी, क्योंकि कविश करण के पास खुश नहीं रहेगा। साथ ही साथ करण भी कविश की उतनी अच्छी देखभाल नहीं करेंगे। लेकिन अब निशा के बयान के बाद कविश को लेकर करण ने भी काफी कुछ कहा है, साथ ही साथ उन्होंने निशा पर आरोप भी लगाया है। अकॉर्डिंग टू करण, कविश निशा के पास सेफ नहीं है। ANI को दिए गए इंटरव्यू में करण ने कहा कि पहले मुझे लगता था कि ठीक है, मेरा बेटा उसकी माँ के साथ रह रहा है, लेकिन अब बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि कविश निशा के पास सेफ नहीं है और मैं इन सब चीज़ों का बुरा असर अपने बेटे पर पड़ने नहीं दे सकता। वेल, करण ने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि वो कविश को अपने पास रखना चाहते हैं, लेकिन अंत में जाकर फैसला क्या होगा, कविश किसके साथ रहेंगे, निशा के साथ या करण के साथ, ये तो हमें आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। आपका क्या कहना है इस खबर को लेकर, बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू डेली मसाला ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।